हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरो पहाड़ा। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कुरुक्षेत्रा। ये दिल्ली से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आपको जानकारी दूंगा भीष्म पितामह के बारे में। ये भीष्म कुंड है। ये अर्जुन अपने तीर गांडीव के साथ में और ये पितामह सर से यहाँ पर लेटे हुए। आज मैं आपको दिखाऊंगा भीष्म पितामह और उनकी सरसैया और उनके बारे में आपको बताऊंगा कुछ रोचक जानकारियाँ। तो देखते रहिए अंत तक इस ब्लॉग को। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तीर्थ में कुरुक्षेत्र अति पवित्र और पुण्यदायक है। यहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं और उनमें भीष्म पितामह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप आए तो इनको जरूर पढ़ना। ये नरकातारी तीर्थ का भीष्म सरोवर है। युद्ध में घायल भीष्म पितामह जब बाण शैया पर पड़े थे, उन्हें प्यास लगी हुई थी, तब उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा था। अर्जुन ने जमीन में शक्तिशाली बाण मारा और एक स्रोत गंगा के रूप में यहाँ फूट पड़ा, जिससे उन्होंने अपने पितामह की प्यास बुझाई। पुराणों के अनुसार महाभारत के अंत में नरकातारी तीर्थ पर 5 पांडव, द्रौपदी व नारद जी सहित अन्य ऋषियों के साथ यहाँ पधारे तथा भीष्म पितामह ने यही शांति पर्व सुनाया था। पांडवों को राजधर्म की भी शिक्षा दी थी। पर बाण मारकर अर्जुन ने पानी पिलाया था भीष्म पितामह जी को। जो बाहर कुंड बना हुआ है वहां पर बाण मारा था अर्जुन ने और गंगा प्रकट हुई थी इनके मुख के पास। ये ओरिजिनल टेंपल है, इसी को बाणगंगा बोला जाता है, इसी को भीष्म कुंड के नाम से। अर्जुन ने बाण मारकर पानी पिलाया। 1 महीना 26 दिन पहाड़ों की शैया पर लेटे रहे थे भीष्म पितामह जी इसी जगह पर। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह इस सरसैया पर 1 महीना 26 दिन तक रहे थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण, पांडव, द्रौपदी सहित यहाँ कुरुक्षेत्र में आए थे। और आप तो जानते ही हैं भीष्म पितामह को समस्त पुराणों का ज्ञान था। इस तीर्थ पर भीष्म पितामह ने पांडवों को शांति पर्व व विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, साथ ही वरदान दिया कि अनजाने में कोई व्यक्ति पाप या अन्य अन्न खा ले और उनकी बुद्धि मलिन हो जाए कि वह धर्म की सोच से मुक्त हो जाए, तब मेरे दर्शन से उनका मन निर्मल हो जाएगा। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए, तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में मध्यान्ह के समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लगा दिया था। और उस समय वेदों के ज्ञाता महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, भगवान परशुराम, पांडव और कई देवी देवता वहाँ पर उपस्थित थे। दोस्तों, भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था और ये बहुत ही शक्तिशाली और वीर पुरुष थे। इनको संभवतः सिर्फ इनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे, लेकिन जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें परशुराम जी की हार हुई थी और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोका गया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं ऐसी ही कलेक्शन और जानकारियाँ आपको दिखाता रहूँ। थैंक यू।